वेलकम टू मिशन AIPGET। आज का हमारा टॉपिक है मूलिनी फलिनी द्रव्य। ये आयुर्वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र प्रथम अध्याय दीर्घ जीवित्यम अध्यायम, जिसमें आचार्य चरक ने पहले द्रव्यों का वर्गीकरण किया है, जिसमें मूलिनी द्रव्य 16 बताए हैं, फलिनी द्रव्य 19, महास्नेह 4, दुग्ध 8, मूत्र 8 और शोधन वृक्ष 6। तो जो आज का हमारा टॉपिक है मूलिनी फलिनी द्रव्य, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इनके टोटल नंबर। तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, स्टिल 16-19 याद रहता है, बट कौन सा किसमें है वो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है मूछ और फन। तो मुँह से मूलिनी, छ से छ 16, फ से फलिनी, न से नो, तो 19, इस तरह आप याद रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे 16 मूलिनी द्रव्य, तो उनके द्रव्यों के कर्म क्या है और उन कर्मों में कितने द्रव्य आते हैं, उनको एग्जैक्ट याद रखने के लिए हमारे पास पहले निमोनिक है, इस वर्ड की तरफ देखेंगे, वानर। तो ये मुहावरा है, वानर नो दो ग्यारह हो गए, बट हमें यहाँ याद रखना है 3, 2, 11, वानर 3, 2, 11 हो गए। तो व से वमन, जिसमें 3 द्रव्य है, न से नस्य शिरो विरेचन, जिसमें 2 द्रव्य है, र से रेचन विरेचन, जिसमें 11 द्रव्य है। तो वमन के लिए हमारे पास निमोनिक है विश्व, विश्व में वमन होना चाहिए। तो बी से बिंबी, स से शण पुष्पी, व से बचा। नस्य के लिए है श्वेत ज्योति, श्वेत ज्योति है वो नस्य करा रही है, तो श्वेत से श्वेत अपराजिता, ज्योति से ज्योतिषमति। र से रेचन में 11 द्रव्य है, जिसके लिए एक स्टोरी है, जिसमें श्यामा तिव्रत दो भाई हैं, श्यामा इज काली निशोत, तिव्रत इज सफेद निशोत, सेवंथ क्लास में पढ़ते हैं विद दंती एंड द्रवंती, सेवंथ इज फॉर सप्तला, और किसके साथ पढ़ते हैं, दंती द्रवंती के साथ। उनके घर में 3 एनिमल हैं, जो कि हस्ती दंती हाथी, अजगंधा अजा गोट, गवाक्षी फोर गाय, और एक प्लांट है जिसमें से शीर और विष अधोगति की तरफ गिरते हैं, डाउन डायरेक्शन में गिरते हैं, तो शीर से शीरणी, विष से विषाणिका, अधोगति इज अधोगुणा। तो ये थी हमारी 16 मूलिनी द्रव्य याद रखने की निमोनिक्स। फिर हम देखते हैं अपने 19 फलिनी द्रव्य, जिसके लिए हम सेम वर्ड ध्यान रखेंगे वानर, बट यहाँ पे है 8, 9, 10, आप देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, बट हमें याद रखना है 8, 1, 10, वानर 8, 1, 10। वमन यहाँ पर डिनोट करता है वा वमन और अस्थापन दोनों कर्म के लिए, जिसमें 8 द्रव्य हैं। इसमें आते हैं हमारे षडवामक, षडवामक द्रव्य हैं, जिसमें 6 वमन कार्य करने वाले द्रव्य हैं। तो वो हमारा रेफरेंस चरक सूत्र 2 में भी आया है और चरक सूत्र 4 में भी आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें षडवामक को एज इट इज याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है मजई धावकृत, म से मदनपल, ज से जीमुतक, ई से इक्ष्वाकु, धा से धामार्गव, व से वत्सक, कृत से कृतवेधनम, और हस्त पुष्प हाथ में पुष्प, तो हस्त इज हस्तिपर्णी, पुष्प इज त्रपुष्प, जिसे ककड़ी भी कहते हैं। न से शिरोविरेचन में हमारे नस्य में एक ही द्रव्य है अपामार्ग, जिसका सिनोनिम है पृथक पुष्पी। रेचन के लिए 10 द्रव्य है, जिसमें है द्विविध कलितक मुलेठी, जो कि 2 टाइप्स की है अनुप और स्थलज। द्विविध करंज में हमारे 2 द्रव्य है प्रक्रिया और उदक्रिया, प्रक्रिया इज लता करंज, उदक्रिया इज करंज। फिर हमारे जो 6 द्रव्य बचे हैं उनके लिए निमोनिक है अरे हरी शंखनी को डंग लगा तो कांप रहे हैं कोठरी में, हरी शंखनी हस्बैंड वाइफ है, उन्हें डंग लग गया तो वो कोठरी में कांप रहे हैं। अरे से आरगवत, हरी से हरित की, शंखनी इज फॉर एज इट इज शंखनी, डंग इज विडंग, कांप से कंपिल्लक और कोठर से अंतः कोटर पुष्पी। तो ये थी हमारी मूलिनी फलिनी द्रव्य याद करने की ट्रिक्स। आई होप इन निमोनिक्स के थ्रू आपको ये टॉपिक इजी टू मेमोराइज हो। For more these kind of tricks, you can subscribe our YouTube channel Mission AIPGET or may join our online classes also. Thank you.